कि आप बोर्ड पे दिखे आप पैटर्न को पहचान रहे हैं, यह रोमन नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखने की प्रक्रिया से हम लोग अक्सर अवेयर होते हैं। अक्सर किसी सिक्वेंसिंग के दौरान जब हम लोग सिक्वेंस पोजिशनिंग डिसाइड करते हैं तो हम डेसिमल नंबर जो ट्रेडिशनल हम लोग अप्लाई करते हैं उसकी जगह पर इन कुछ टर्म का, इन कुछ सिंबल्स का उपयोग करते हैं। जहां पर अगर टर्म देखिए तो एक को ऐसे लिखा जाता है, दो को या दो लाइन बना के लिखा जाता है, तीन को तीन लाइन बनाई जाती है, चार को चार लाइन बनाई जाती है, चार लाइन नहीं, तीन लाइन के बाद चौथी लाइन मतलब या चार के लिए आपको वी के पहले आई लगाना पड़ता है, पांच के लिए वी लगाना पड़ता है, छह के लिए वी के बाद वन आई, मतलब सात के लिए आपको बी के बाद डबल आई। ऐसे ही पैटर्न को हम लोग बढ़ाते रहते हैं। ये तब तक तो मुमकिन है जबकि लाइन एक पन्ने पर जितनी लाइन है 10 15 20 तक तो आप लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नंबर्स में इनकी चैलेंजेस हमारे लिए हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती दिखती हैं। और ख़ास करके ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब यह कंटेंट या टॉपिक आपको किसी परीक्षा में दिखता है। KBS PRT की हाल की जो परीक्षा चल रही है उसमें रोमन नंबर्स का उपयोग आपको दिख रहा होगा। रोमन नंबर बेसिकली डेटा हैंडलिंग का पार्ट होता है जो कि छोटी क्लासेस में कक्षा 5 के अंदर की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम नंबर्स को, जो डेसिमल नंबर्स हमारे उपयोग में आते हैं उनकी जगह पर हम रोमन नंबर्स का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड टर्म हो तो अच्छी बात है, हम लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम जनरल सिंबल्स के बारे में सब लोग लगभग लगभग अवेयर होते हैं। बट प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जहाँ पे नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपसे 35 के लिए रोमन नंबर्स लिखने को कहा जाए, 69 के लिए, 69 के लिए रोमन नंबर लिखने को कहा जाए, 78 को लिखाया जाए, 90 को लिखा जाए, 1984 को लिखने के लिए बोला जाए, 1774 को लिखने के लिए बोला जाए, 1001 के लिए बोला जाए, 5000 के लिए बोला जाए। तो एक बिग चैलेंज है, मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें पैटर्न वाइज नंबर्स का रोमन उपयोग, रोमन सिंबल हमें क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में 5 मिनट का समय आपसे लगभग लूंगा, मैं सारे वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा जो कंप्लीट डेसिमल को रोमन में कन्वर्जन के प्रोसेस को दर्शाएंगे। आप इस पूरे वीडियो के अंडर उन सभी सिंबल्स को समझ पाएंगे जो रोमन बनाते हैं किसी भी डेसिमल को, और इजीली आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और आप इजीली आसानी के साथ किसी भी डेसिमल नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कुछ पैटर्न को समझिए। जैसे जब जरूरत पड़ती है हमें एक की, हम एक के लिए इस आई की तरह सिंबल का उपयोग करते हैं, मतलब सिंपली आई बना देते हैं। कुछ हमारे पास टर्म क्लियर है पहले, इनको आपको तैयार ही रखना पड़ेगा। 5 के लिए बी लिखा जाता है, 10 के लिए एक्स लिखा जाता है, 50 के लिए एल लिखा जाता है, 100 के लिए सी लिखा जाता है, 500 के लिए डी लिखा जाता है और 1000 के लिए एम लिखा जाता है। ये आपको रेडी रखना है, हमेशा के लिए तैयार रखना है। अब इसका सिस्टम कैसे काम करता है या किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 1 से लेके 1000 तक के उसने सिंबल प्रोवाइड कर दिए, बट 1 से लेके 1000 तक को आपको प्रेजेंट कर पाना इट्स अ बिग चैलेंज, मतलब बड़ा टास्क है। और उसको सीखना, जानना, उसके लिए कुछ आपको सेट पैटर्न अर्थात उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें समझना आवश्यक है, उनको जानने की हमें जरूरत है। रूल में हमें ऐसी बात हम कंफर्म हो चुके हैं कि हम इन सिंबल्स को एक साथ एसोसिएट करके, घटा करके, बढ़ा करके, जैसे कि 5 हमने बी लिखा है तो 4 को हमने बी के पहले आई लगा के प्रेजेंट किया है। तो हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको ऑलरेडी लिख करके दिखाए हैं जिनके आधार पे हम समझ जाते हैं कि हम किस सिंबल का कैसे उपयोग करते हैं। बाकी भी मैं अगले 2 स्लाइड में और भी चीज़ें आपको कन्फर्म कर दूंगा, आप क्लियर वे में देखिएगा चीज़ों को। वैल्यू का रिपीटेशन हमेशा ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है एक्स मतलब 10 है, एक्स का मतलब 10 है, तो अगर हम एक्स को 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब 10 10 या 20 हो जाएगा, या किसको प्रेजेंट करेगा, 20 को। अगर हम बी को जानते हैं कि बी 5 है, तो अगर हम बी 5 जानते हैं और बी के साथ हमने आई लगा दिया और आई का मतलब 1 होता है, तो यह 5 + 1 हो जाएगा, मतलब यह 6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो भी टर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए बी के साथ आपने 2 बार आई लगा दिया, इसका मतलब यह 5 है + 1 है + 1 है, अर्थात यह 7 को रिप्रेजेंट करेगा। वैल्यू का रिपीटेशन हमेशा एडिशन को प्रेजेंट करता है, मतलब जोड़ को दर्शाता है कि नंबर आगे इंप्रूव कर रहा है। दूसरे पॉइंट को देखिएगा, किसी भी सिंबल को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे आप अगर मान लो x को 3 बार लिखो या 30 हो जाएगा, बट अगर आपको 40 लिखना है, अगर आपको 40 लिखना है तो 40 के लिए आप x को 4 बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म का जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है वो केवल 3 बार अलाउड होता है, 3 से अधिक बार नहीं होता है। अब इसी 40 को लिखने के लिए हम इसको 50 - 10 की तरह करेंगे तो एक टर्म और क्लियर आपको समझ में आएगा। 50 के लिए जैसा कि अभी आप लोगों ने इस टेबल में देखा कि 50 के लिए हम यल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम इसके लिए यल सोचेंगे, और घटना है तो घटने को, जैसे रिपीटेशन जो आगे जाता है वो जुड़ने को दर्शाता है, और घटना हमेशा प्रीवियस को दर्शाता है, तो आप इसके पहले अगर x लगाएंगे तो यह 40 को प्रेजेंट कर देगा।
इसके नेक्स्ट लाइन में आपको यह बताया भी जाता है कि हम लोग जैसे रिपीट करते हैं नंबर को आगे बढ़ा करके, मतलब जोड़ना, और अगर हम पहले लगाते हैं तो मतलब घटाना। जैसे अगर आपको 4 लिखना है, 4, 4 को हम क्या जाने कि यह 5 के एक पहले होता है, तो 5 बी होता है, अगर उसके पहले हम आई लगा देते हैं तो यह 4 बन जाता है। मतलब अगर हम पहले लगा रहे हैं तो घटाना, और आगे चल के हम रिपीट कर रहे हैं तो उसको मतलब जोड़ना होता है। इस लाइन का सेंस आपको क्लियर हो गया होगा एडिशन का। और साथ साथ मैंने ये भी बताया किसी भी टर्म को हम 3 से अधिक बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर और कुछ चीजें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप इसी में ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा एक है अपने पास, अपने पास एक है, अपने पास 10 है, अपने पास 100 है, अपने पास 1000 है, साथ साथ अपने पास 500 भी है, 50 भी है, 5 भी है। ये तीनों एक नेचर के हो जाते हैं, और ये तीनों एक नेचर के हो जाते हैं। जो 10, 100, 1000 के टर्म में जाते हैं वो एक नेचर की तरह बिहेव करते हैं, जो 5, 50 और 500 के टर्म में जाते हैं, जो 5 को मल्टीपल की तरह लेके चलते हैं, वह अलग एक नेचर बिहेव करते हैं। इसलिए यहाँ पर रूल में कुछ, यहाँ पर प्रोसेस है, रूल में कुछ सिस्टम है कि BLD, बी मतलब 50, बी मतलब 5, ध्यान से देखिएगा, बी मतलब 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500 को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। कभी भी आप 5 को, जैसे आप सोचो 5 5 हम 10 लिख दे, इट इज नॉट पॉसिबल। एल को 2 बार लिखकर 50 50 100 बना दे, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे अगर हम डी को 2 बार लिख करके सोचे 500 500 1000 बना दे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके आगे के सिंबल का, उसके आगे की जो एडिंग में अमाउंट आता है उसका ऑलरेडी सिंबल है। जैसे आप सोचो कि सर हमें 10 लिखना है, क्या मैं बी को 2 बार लिख सकता हूँ? नहीं भाई, इसकी जगह पर एक्स है। आपने कहा कि सर अगर हम 100 को लिखना चाहते हैं तो एल को 2 बार लिख दें, बिल्कुल नहीं लिखिएगा, क्योंकि 100 के लिए ऑलरेडी आपके पास सिंबल है। ऐसे ही आप सोच रहे 500 500 मिलाकर हम 1000 कर दें, तो आपको पता 1000 के लिए ऑलरेडी सिंबल है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं कि आप यहाँ पर 3 इन सिंबल्स को कभी रिपीट नहीं कर सकते। BLD को कभी रिपीट नहीं किया जाता है। आई जो होता है, अगर वह किसी के पहले लगे तो जाहिर सी बात घटेगा, लेकिन पहले लगने का भी सिस्टम है। कहा गया है आई को केवल बी और एक्स के पहले ही लगा सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी नंबर को एक घटाना है तो दो ही हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे बी, बी के पहले एक लग करके 4 हो जाएगा, और एक्स के एक पहले लग करके 9 हो जाएगा। बाकी और किसी के पहले आप एक लगा के सोचो कि जैसे आपने, आपके दिमाग में है कि हम एल के पहले यह 1 लगा दें तो यह 49 हो जाए, तो बिल्कुल यह गलत हो जाएगा, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यह रॉन्ग प्रोसेस है। 49 को प्रेजेंट करना, मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आप आई को जो है केवल बी और एक्स के पहले लगा सकते हैं, बी और एक्स के पहले लगा सकते हैं और किसी के पहले नहीं लगा सकते, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे मैंने कहा एल के पहले नहीं लगा सकते, एम डी के पहले नहीं लगा सकते हैं, एम के पहले नहीं लगा सकते, आपको केवल बी और एक्स के पहले ही आई को लगाना होगा। और हम इंपॉर्टेंट एक टर्म देखिएगा, एक्स को आप सोच रहे हैं किसी के पहले लगाने का, तो उससे जो बड़े टर्म है, जैसे कि एल है, एम है, सी है, एल है, एम है, सी है, उन्हीं के पहले केवल एक्स को लगाया जा सकता है। आप सोचो कि सबके साथ हम एक्स को पहले लगा करके प्रेजेंट कर सकते, नहीं, जो उनसे बड़े टर्म है उन्हीं के पहले, उसमें भी 50 के पहले नहीं, आपने देखा होगा डी के पहले नहीं, तो मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स को लगा सकते हैं एल के पहले, एम के पहले और सी के पहले। अब कुछ और पैटर्न आप समझिएगा, कुछ रूल्स थे जिनको आपको दिमाग पे रखना चाहिए, साथ साथ इस पैटर्न को भी आप ध्यान दीजिए, आपको समझाता हूं। जैसे एक के लिए आई है, अब 2 लिखना है तो डबल आई कर दो, 3 लिखना है तो ट्रिपल आई कर दो, 4 लिखना है तो आपको पता है 5 के लिए बी होता है, तो बी के पहले आई लगा दे तो 4 हो जाएगा, 6 के लिए बी के सामने एक आई लगाएं 6, डबल आई लगाने पर 7, ट्रिपल आई लगाने पर 8। अब 9 लिखना है तो 4 बार तो आई लगा नहीं सकते, मैंने कहा किसी चीज का रिपीटेशन 3 बार ही हो सकता है मैक्सिमम। 9 लिखना है तो आपको पता है 10 का सिंबल होता है, 10 के एक पहले आई लगा दे तो 9 हो जाएगा। अब आपको मान लो 11 लिखना है तो एक्स आई लगाइए, 12 लिखना है एक्स डबल आई, 13 लिखना है एक्स ट्रिपल आई, 14 लिखना है, अब फिर प्रॉब्लम, क्योंकि 14 लिखना है अगर आपको 14, तो 14 लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्स जो कि 10 करेगा और बी बी के पहले एक आई, इस तरह से 14 लिखा जाएगा। अब इसके सामने आई लगाओ, मतलब केवल एक्स बी कर दो 15, एक्स बी आई 16, इस प्रकार से बढ़ता बढ़ता, देखिए यहां पर 11 को मैंने बताया है, 20 का डबल एक्स लिख दीजिए, 30 का ट्रिपल एक्स लिख दीजिए, बट 40 लिखना है तो आप यहां पर 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह होता है 50, और 50 के पहले अगर हम एक्स लगा दें मतलब 10 घट जाएगा, अर्थात यह 40 बन जाएगा। यल एग्जैक्टली 50 को प्रेजेंट करता है। अब यल के साथ अगर एक्स लगाएंगे तो 60, यल के साथ डबल एक्स तो 70, यल के साथ ट्रिपल एक्स तो 80,
अब 90 अगर लिखना है तो आप यल के साथ 4 टाइम एक्स नहीं लगा सकते हैं। आपको पता है सी जो होता है वो क्या है, 100। तो अगर सी के पहले हम एक्स लगा देंगे तो आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि सी क्या होता है, 100 होता है। थोड़ा सा और ऊपर आइए, 200 लिखना है तो डबल सी, 300 लिखना है ट्रिपल सी, 400 लिखना है, अब 400 लिखना है तो 4 टाइम हम सी नहीं लगा सकते हैं। हमको पता है डी जो होता है वो 500 होता है, 500 में सी घटा दें, 500 में अगर हम 100 घटा दें तो 400 होता है, तो यह आपका डी हो गया, और डी को घटने के हिसाब से सी लिखा जाएगा। 500 देखिए डी हो गया, 600 डी सी होगा, 700 डी डबल सी होगा, 800 डी ट्रिपल सी होगा। अब आपको 900 लिखना है तो डी 4 टाइम सी नहीं होगा, बल्कि यम 1000 होता है, 1000 से अगर हम 100 घटाएंगे तो 900 होगा, और 100 का मतलब सी होता है, तो इसका मतलब यम के पहले आपने सी लगा दिया, और फाइनली 1000 के लिए आपने यम लगा दिया। आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर कुछ बातें जैसे हम और ध्यान में रखें, अभी प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है, जैसे मान लो चलो 1000 आपने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आपको 2000 लिखना है, दो बार यम लिख दीजिए, तीन बार आपको लिखना है, आपको तीन बार लिखना है, तीन बार यम लिख दीजिए। प्रॉब्लम देखिए जहां बढ़ती है, जो समस्या आपके सामने क्रिएट होती है, उसको थोड़ा समझने की हम लोग को आवश्यकता है। जैसे आप 2000 लिखना है, ठीक है, तो आपने जैसे आपको पता था कि 1000 का मान हमारे पास यम है, इसकी जगह आप लोग दो बार यम लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3000 लिखना है तो आप तीन बार यम लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम अभी क्या है कि हम इसी तरह से चार बार अगर लिखना चाहें तो चार बार तो हम लिख नहीं सकते 4000, तो हमें 5000 को प्लान करना पड़ेगा, 5000 को प्लान करना पड़ेगा हमें, फिर आगे बढ़ते रहना होगा, 10000 को प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको एक टेबल में समझा देता हूं, जो कि बार की तरह अप्लाई किया जाता है और अक्सर पूछा भी जाता है। जैसे 5000 कभी आएगा तो बी के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि जो बी होता है वो किसको प्रेजेंट करता है, 5 को। बी अगर 5 को प्रेजेंट करता है तो हमको 5000 लिखना है तो बी के ऊपर बार लगाएंगे। 10000 आपको लिखना है तो यक्स किसको प्रेजेंट करता है, 10 को, तो आप यक्स के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो यह 10000 को प्रेजेंट करेगा। 50000 को आपको अगर लिखना है, 50000 लिखना है तो आपको पता है 50 किसको प्रेजेंट करता है, यल को, 50 किसको प्रेजेंट करता है, यल को, तो यहां पर यल के ऊपर बार लगा देंगे तो 50000 हो जाएगा। अब 100000 को प्रेजेंट करना है तो क्योंकि आपको पता है ये 100 मिलकर सी होता है, 100000, 100 मतलब सी, सी के ऊपर बार लगा दीजिए तो यह आपका 100000 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 500000 लिखना है तो आपको पी के ऊपर लगाना पड़ेगा, और फाइनली फिर से अगर हमें यहां पर इसके आगे चलना होगा तो हमें यम के ऊपर लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर आप इन चार जीरो को 1000 के आगे, मतलब 10000 अगर हमें लिखना है तो हम लोग यहां पर यम के ऊपर बार लगाते हैं। तो इस प्रकार से बार का पैटर्न है, जो बार लगा करके नंबर को